यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात अपमान न करना नारी का, इनके बल से जग चलता है। अरे पुरुष भी तो जब जन्म लेता है तो इन्हीं की गोद में पलता है। सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं सिद्धार्थ, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। स्वागत करता हूं आप सभी का यूपीएससी के अड्डा पर, यानी कि यूपीएससी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। तो जिस स्तंभ को देख के आपने क्लिक किया है, आज उनसे मुलाकात करा रहे हैं। अभी हम फिलहाल हैं कहाँ पे, डीसीपी ऑफिस गुरुग्राम। और ऑफकोर्स जिनसे हम मुलाकात करा रहे हैं वो एक इंस्पायरिंग और एक मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि मैम से मुझे टाइम मिल चुका है और आज आपके साथ ये बातें साझा कर रहे हैं। सो वेट वॉच, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे आपकी आपने ट्रेलर में ऑलरेडी देखा है। सो शुरू करते हैं इस सिविल सर्विसेज के सफरनामे के वीडियो को। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं। मैम सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएँ, मतलब इस पोजिशन तक पहुँचने के लिए सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएँ मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड कैमरे के सामने बोल रहा हूँ मैं कि वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो यू हैव बीन वेरी कॉर्डियल, बहुत बिजी पर्सनैलिटी, ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है शोल्डर्स पे, लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम। सो दोस्तों कुछ पूछना चाहते हैं आप तो कॉमेंट भी कर सकते हैं, आपकी जो क्वेश्चन हैं वो हम ले आएंगे मैडम तक भी, ठीक है। लेकिन मैम एक परिचय देना चाहता हूँ आपका। मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपका, जहाँ पे बहुत ही बारीक, आई थिंक रेडियो पे आपने एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया था आपने और कुछ लाइफ के बहुत ही पेचीदा हिस्से बताए थे, जहाँ से आप जर्नी शुरू की थी एज अ डॉक्टर, उसके बाद एज एन आईपीएस ऑफिसर। तो उसी सिलसिले में आज पूरा का पूरा इंटरव्यू चलेगा, ये एक व्यक्तित्व का इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी का इंटरव्यू होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैम हमारे सामने हैं डॉक्टर अंशु सिंगला मैम, यूपीएससी 2013 टॉपर, और हम सारी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे और डीसीपी गुड़गांव का पूरा दामोदार रख रखी है मैम। सो मैम मेरा पहला सवाल आपसे लगभग, मतलब कैसा अभी महसूस होता है आपको जब पब्लिक सर्वेंट एक लोक सेवा के तहत अब देखते हैं, क्योंकि कभी कभी आप जस्टिस तुरंत दे देते हो, कभी कभी शायद वक्त लग जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी लगती है आप? एक्चुअली मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि दो शब्द मेरे पिताजी ने मुझे सिखाए थे कि एक होता है अमीर होना। अमीर का मतलब तो ये हो गया कि सपोज यू आर हैविंग अ गुड बैलेंस इन योर अकाउंट, या यू आर अ रिच पर्सन इन द सोशल पार्लेंस, द सो कॉल्ड सोशल स्टेटस। एक होता है रईस होना। रईस का मतलब ये हो गया कि यू आर इन अ पोजिशन टू शेयर, टू गिव। तो पब्लिक सर्विसेज या सिविल सर्विसेज, जैसे कि इसके नाम में ही है सर्विसेज, आई थिंक देर इज नो ग्रेटर जॉय देन द जॉय ऑफ शेयरिंग। तो वो हम शेयर करते हैं बाय अवर डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आपने कहा, कुछ चीज़ों में तो स्विफ्ट डिसीजंस होते हैं और इंस्टेंट जस्टिस होता है, किसी में आप एक प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर का एक हिस्सा होते हो, तो डेफिनेटली इट इज सोलफुली अ वेरी वेरी फुलफिलिंग जर्नी। थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा सा हम पहले चलते हैं आपके करियर में। मैंने ये भी सुना था इंटरव्यू में कि शुरू में आपका सपना ये था कि मतलब गृहिणी बनना, मतलब एक हाउसवाइफ बनना, लेकिन आई थिंक ये आपके माँ बाप का सपना था कि शायद आप कुछ आगे करें, क्या ये बात सत्य है? एक्चुअली आप बहुत अच्छी रिसर्च करके आए हैं। तो फोर्थ फिफ्थ में ना, मैं जो बच्चे पढ़ाई से डरते हैं, मेरी गिनती उन बच्चों में होती थी। तो नॉर्मली क्या होता था घर में, जैसे बाकी बच्चे थे उनसे पूछा जाता था क्या बनोगे, तो कोई कहता था डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं नासा जाऊंगा, कोई कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता था आईएएस ऑफिसर। तो मुझे कहा जाता था, तो मैंने पूछ रखा था कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन जिसमें कुछ नहीं करना, जबकि अब ये भी मेरी एक नोशन मिट चुकी है कि वो भी एक हाउस होम मेकर जो होता है उसके ऊपर भी बहुत कारोबार होता है।
तो मैं कहती थी मुझे बस हाउसवाइफ बनना, मुझे और कुछ नहीं करना ये, बट बहुत बचपन की बात है। ग्रेजुअली एज आई ग्रो अप और मुझे लगा कि होम मेकर बनना एक डेफिनेटली एक वो भी एक अचीवमेंट है, एक इट्स अ ह्यूज टास्क बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ न्यू इंटायर वर्ल्ड। और समाज का निर्माण जो होता है वो घर की स्त्री से होता है, माँ से होता है या कभी पत्नी से होता है, तो वो क्रिएशन होता है। तो बट वो तो मैं बनूंगी ही, वो ड्रीम है और आज भी मैं उसको पूरा कर रही हूँ। मैं घर जाती हूँ तो किसी की बहू हूँ, किसी की माँ हूँ और किसी के लिए पत्नी हूँ, वो तो है ही। बट एडिशनली मुझे फिर लगना शुरू हो गया कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन और डाइवर्स हो सकता है। देन इनिशली आई डिड माई MBBS एंड आई चूज टू बी अ डॉक्टर, विच आई एम टूडे ऑल्सो, एंड लेटर ऑन आई यू नो चूज टू बी अ पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज। वैसे बहुत क्रिस्प शॉट में आपने डिटेल में बता दिया है कि कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ। मैं थोड़ा सा और नीश जाऊँगा और डिटेल में, लेकिन आपके लिए दो लाइनें मैं कहना चाहता हूँ कि नारी का सम्मान पौरुषता की आन, नारी का अवहेलना नारी का अपमान, माँ बेटी बहू पत्नी कई रूप हैं नारी के, नारी से सजते हैं रिश्ते, नारी से है परिवार। जैसा कि आपने पूरा अभी बयां किया है कि आप बहू भी हैं, बेटी भी हैं, पत्नी भी हैं और एक IPS ऑफिसर हैं, DCP गुड़गांव हैं, तो कैसे ये फंक्शंस आप निर्वहन करते हैं, कैसे ये सारे इतनी बिजी स्केड्यूल में, क्या कोई टाइट स्केड्यूल है, कैसे, मतलब मुझे एक बार अपनी टाइम मैनेजमेंट आप बता सकते हैं मैम, शेयर कर सकते हैं। पहले तो एक वर्ड मैंने जो काफ़ी ईश्वर की मेरे पे बहुत कृपा रही है क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी भक्ति दी और विश्वास दिया, तो नेवर यूज़ द वर्ड बिजी, इट्स ऑलवेज ईजी। क्योंकि जो कर्मों वाला होता है, किस्मत वाला होता है, उसे मौका मिलता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में जीवन को जीने का। हमारा एक लिमिटेड सा टेन्योर है धरती पे, जो किसी को नहीं पता कि हमारा कितना टेन्योर है, नोबडी नोज। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वी आर नेवर बिजी, वी आर ऑलवेज ईजी, ईजी विद द असाइनमेंट्स यू नो इंटरेस्टेड टू अस बाय समटाइम्स गॉड, समटाइम्स द सोसाइटी एंड समटाइम्स आवर फैमिली। सो इट इज़ लाइक दैट फर्स्ट, एंड सेकेंड इज आई डोंट मैनेज टाइम, आई डोंट थिंक आई मैनेज टाइम। I take responsibility of each and every thought that I generate. सारे तो नहीं कर पाती कई बारी, परंतु I manage my energies, my thoughts, my emotions. वो सबसे important है। मुझे लगता है कि हमारे पास time की कमी generally नहीं होती, किसी के पास भी नहीं होती, परंतु हमारे पास हम अपनी energy को channelize right direction में नहीं करते। कई बारी हम उसको एंगर में वेस्ट करते हैं, कई बारी जेलसी में वेस्ट करते हैं, कई बारी ओवर थिंकिंग में वेस्ट करते हैं, कई बारी इलॉजिकल रैशनैलिटी में वेस्ट करते हैं, बहुत बारी कंपैरिजंस में वेस्ट करते हैं, स्पेशली इन दिस गिवन एज ऑफ सोशल मीडिया। आई वुड से कि वो कंपैरिजंस ऐसा नहीं है, पहले नहीं थे, अब और मैग्नीफाइड है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो एनर्जीज को हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जाए, दैट इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड थैंक्स टू इट दैट आई हैव हैड अ वेरी नाइस काइंड फैमिली, जिस परिवार में मैं पैदा हुई और जिस परिवार में मैं ब्याह के गई, वो दोनों ही परिवारों में मैंने एनर्जीज का, वैल्यू सिस्टम्स का बहुत अच्छा एक संगम देखा और मैं उन वैल्यूज के द्वारा अपनी एनर्जी को जरूर चैनलाइज करती हूँ, टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। डिटेल में क्रिस्प, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, बिकॉज आई थिंक इट कम्स फ्रॉम विद इन, आई थिंक दैट्स नेचुरल एंड इट कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एज वेल। सो जैसे कि हमने जिक्र किया था कि हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब आपने फैसला लिया, ये आपका ही फैसला था डॉक्टर बनने का? हाँ, मतलब ऐसा था कि जैसे कि मैंने आपसे इंटरव्यू के शुरू में भी कहा, मैं जब 10th क्लास में हुई तो मेरी गिनती उस समय अच्छे स्टूडेंट्स में होती थी और उसका श्रेय बहुत सारा मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को, फैमिली को, एवरीवन हु टॉट मी, उसमें गिनती अच्छी होनी शुरू हो गई। तो हमारे टाइम पर उस समय क्रेज़ होता था 90% से ऊपर वाले बच्चे, तो वो 90% से ऊपर वाले बच्चे जो होते थे उनको अच्छा माना जाता था, मैं उसी परसेंटेज में फिट हो गई। तो मेरे को मैंने पूछा कि मैं क्या लूँ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने पिताजी से पूछा तो उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा अमीर तो बहुत लोग बन जाते हैं, तुम रईस बनना, तुम कुछ ऐसा चुनना जो कि जिसमें आप किसी के लिए कुछ दे सको एंड समथिंग विच कमांड्स रिस्पेक्ट,
यू डोंट हैव टू डिमांड रिस्पेक्ट, यू हैव टू कमांड रिस्पेक्ट. तो मैं और पिताजी बैठे और फिर मैंने थोड़ा सा, मैं एक चैलेंजिंग और आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन लेना चाहती थी, और आर्ट और साइंस का मुझे उस समय जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन लगा वो मेडिकल साइंसेज लगा, क्योंकि एक डॉक्टर में एक आर्ट भी होती है, कला भी है, मेडिसिन डायग्नोसिस बनाना, ट्रीट करना, और साइंस तो है ही है. तो मुझे उस समय लगा कि डॉक्टर बनने का निर्णय जो ठीक रहेगा. और मेरी मम्मी का बहुत, मेरी मम्मी को, मेरे ग्रैंडफादर, दादाजी, उनको बड़ा शौक था कि हमारी बेटियाँ डॉक्टर बने. तो मुझे लगा उस समय वो डिसीजन मेरा था, बट सर्टेनली मोटिवेशन एक पेरेंट्स की और एक गाइडेंस जरूर थी उसके पीछे. ये सफ़र था आपके डॉक्टर बनने का. हमने सुना वो इंसिडेंट जब आई थिंक आप ट्रेनी थे और इंटर्न, एंड आई थिंक आप ER में थे, इमरजेंसी रूम में थे. और दैट्स हैपेंड. सो आई थिंक दैट वॉज द सिचुएशन आपने सोचा कि मैं इस सर्विसेज में आऊँगी. तो वो इंसिडेंट आप एक बार शेयर कर सकते हैं क्या? बिकॉज दैट्स अ लाइफ चेंजिंग आई थिंक मोमेंट. वो शायद मेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट लो इवेंट्स और स्पिरिचुअली चैलेंजिंग इवेंट था. मैं इंटर्नशिप कर रही थी और इमरजेंसी वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी थी, और एक महिला आती है वहाँ पे, मोर देन 80% बर्न्स थी. तो वहाँ पे 80% भी बर्न्स को सबसे पहले जैसे हमें ड्रेसिंग देनी होती है सिल्वर बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की, तो वहाँ पे सिस्टर जी दे रहे थे और उनके साथ मैं भी फटाफट, बिकॉज दैट गर्ल वॉज क्राइंग विद पेन, वो अपॉइंटमेंट मैंने दिया लगाया. और अनफॉर्चुनेटली वो वी लॉस्ट दैट पेशेंट, एंड आई लर्न कि MLC कटा था उस केस में. और मेरे को ये पता लगा कि उसको, उस लड़की के ऊपर केरोसिन फेंक के उसको, जिंदा लड़की को जलाया गया था डाउरी के लिए. डाउरी के लिए उनसे कुछ मांग की गई थी, गुस्सा था या जो भी रीज़न था, डाउरी के लिए उस पर मांग की गई और उसे जिंदा ही जला दिया गया. एंड आई लॉस्ट दैट गर्ल. आई कुड नॉट स्लीप फॉर नाइट्स टुगेदर. मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि अगर एक बायोलॉजिकल डिजीज है उसको हम ट्रीट करते हैं. ऐसा नहीं है मैंने उससे पहले कभी किसी पेरेंट को, अपनी पेशेंट को, किसी को नहीं देखा बीमारी से, या इनफैक्ट कई बार घर में भी देखनी पड़ती थी कि बीमारी से किसी को. पर वो एक ऐसा इंसिडेंस था जो कि एक सोशल डिजीज, एक सामाजिक कुरीति की वजह से हुई. आई कुड नॉट कम एट पीस. So I was determined to be a greater part of the decision making. तो डॉक्टर तो मैं हूँ और हमेशा रहूँगी, मुझे बड़ा गर्व है. तो एक 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 ऐसी ब्लेसिंग थी मेरे पास जिससे मैं एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बीमारी को ट्रीट करी थी. मुझे उस दिन लगा कि मुझे एक सोशल लेवल पे भी डिजीजेस को ट्रीट करने की जरूरत है. उसके बाद मैंने जरूर सिविल सर्विसेज के लिए डिसीजन ले लिया. It's a very life-changing moment, ma'am. Actually, it is. मेरे ख्याल से अगर मैं ऐसे पुट करूं कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो आप IPS नहीं बनते, है ना? डॉक्टर बनते-बनते भी शायद मुझे नहीं रियलाइज होता. और ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है उसका कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ आई. उसके बाद मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ी और बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को भी मैं मिलती हूँ इन पर्सन. एंड ये मेरा एक बड़ा वो हॉबी है, जब भी मुझे पता लगता है कि कोई मतलब एक ऐसा लीडर है जिसका, और जनरली दे आर वेरी वेल वर्स्ड. एंड रिसेंटली मैं जैसे मोस्ट रिसेंटली मेरे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सिस्टर शिवानी से मेरी भेंट हुई और उनसे भी मैंने काफ़ी कॉन्वर्सेशन किया. ऐसे ही एक बारी कुछ और दो तीन बहुत दिग्गज जो स्पिरिचुअल लीडर्स उनसे मिले, और काफ़ी मेरा ये शेड्यूल में मैं रखती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ. और इतना अच्छा भाग्य दिया है भगवान ने कि वो भी मुझे समय दे देते हैं. कुछ इस्कॉन के बहुत सेलिब्रेटेड गुरुज हैं और मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी में रहना बहुत ज़रूरी है और उनसे सीखते रहना, ग्रो करते रहना. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो शायद उस इंसिडेंस के बाद वो चीज़ को भी ट्रिगर मिला, क्योंकि एक तो होता है कि सज़ा देना, रेट्रीब्यूशन इज नॉट द ओनली पार्ट ऑफ द जस्टिस. तो मुझे लगा कि हमें रिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसकी तरफ भी मूव करना है. कि हमारी न्याय प्रणाली सिर्फ दंड देने की नहीं है, हमारी न्याय प्रणाली हृदय परिवर्तन करने की भी उतनी ही है. और इसी एक श्रृंखला में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. इससे पहले मेरी पोस्टिंग गई थी एज SP कुरुक्षेत्र. वहाँ पे हमने जेल्स में, वैसे भी एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि हमें मेडिटेशन प्रोग्राम्स करवाने हैं, तो वहाँ पे भी हमने मेडिटेशन प्रोग्राम्स कुछ करवाए कोलैबोरेट करके.
और इस्कॉन करके एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस, उन्होंने भी प्रोग्राम्स किए, तो वो भी एक मैंने उस इंसिडेंट से ज़रूर एक सीख ली, उस पेन को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में एनालाइज किया. या दैट वाज आल्सो वन लर्निंग. आई थिंक मैम ये इंसिडेंट, आई थिंक हर शख्स के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. इट टोटली डिपेंड कि हम कैसे उसको आगे फॉरवर्ड पोर्ट्रे करते हैं. एंड इन फॉर योर केस आई थिंक आपने डिसाइड किया कि यू वांटेड टू ब्रिंग दैट चेंज यू वांट टू सी, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था. सो आई मीन थैंक यू सो मच ये इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए. आई मीन थैंक यू सो मच. मतलब आई थिंक बहुत लोगों को ये प्रेरणा मिली होगी इस कहानी से कि आँख और कान खोल के रखो तो तभी मतलब आप समाज सेवा लोक सेवा आप भी कर सकते हैं. मैम यूपीएससी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ऑलरेडी हम यूपीएससी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें, तो यूपीएससी करने का कहां से ये क्रेज आया, या फिर आईपीएस इज दैट बाय चॉइस, और ये रैंक की मतलब था कि आपको रैंक वो अलॉट हुआ था, या फिर इज दैट बाय चॉइस यू वांटेड टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर? जब यूपीएससी के जो कैंडिडेट देख रहे हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि जितना ये एग्जाम टफ है तो उस समय ना कोई इतना डिफरेंशिएशन में पड़ता नहीं है कि मुझे आईएएस मिलेगा. आप चूजिंग वाला उसमें जाते ही नहीं हो मूड में, आपको ये लगता है कि भाई मेरा प्रीलिम पास हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो वो जो भी सर्विसेज हैं, नॉट जस्ट अबाउट आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें सारी की सारी सर्विसेज जो हैं उसमें लोक सेवा का एक बेहतरीन मौका है. वो कोई भी है, हर एक सर्विस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि वो सिस्टम्स को करेक्शन का और ग्रोथ का एक बेहतरीन मौका देती है. आईपीएस को मैंने खुद, आई हैव बीन वर्किंग इन द पुलिस सर्विसेज फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ, तो पुलिस के लिए मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली आप किसी भी सर्विस में एंड अप करें, अगर रेवेन्यू में एंड अप करते हैं, यू आर द जनरेटिंग, यू नो, द रेवेन्यू जनरेटिंग आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. कस्टम्स में इतना अच्छा मौका है क्योंकि बहुत सारा चीज़ें कस्टम ऑफिसर्स स्मगलिंग और उसमें टैकल करते हैं और देखते हैं कि कैसे रोका जाए. ऑडिट अकाउंट्स इज अ वेरी गुड सर्विस बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट को बिल्कुल आई इजियर्स बन के सजेशंस देते हैं, सिस्टम्स इंप्रूवमेंट करते हैं. पुलिस में तो सबको ही पता है कि कितना कंट्रीब्यूशन रहता है. मैं आपको एक छोटा सा मतलब उदाहरण दूंगी, क्या पुलिस सर्विस कर सकती है, या मतलब कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है. मतलब कोविड टाइम मेरे को लगता है मैं फरीदाबाद में नोडल ऑफिसर थी फॉर द ऑक्सीजन मैनेजमेंट, और बहुत लोग जानते हैं अच्छे से कि दिल्ली एनसीआर वाज द वर्स्ट अफेक्टेड, ऑलमोस्ट आई वोंट से मतलब स्टेटिस्टिकली, बट ये जनरल परसेप्शन थी. तो उस समय मतलब हमने ऑक्सीजन को इस्कॉट किया, और बिल्कुल ऐसा समय आता था हम हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करते थे कि आपके पास कितनी सप्लाई है, इस्कॉट करते थे. लोगों में एक मोटिवेशन मेंटेन करके रखना, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, और हमारे पास अराउंड 3000 जितनी भी फोर्स थी उन सबको भी मैंने, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, उनके साथ मैं ऑडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कनेक्ट करती थी और उनसे पूछती थी कि कैसे तबीयत है. वो मुझे बताते थे कि सम ऑफ देम गॉट इन्फेक्टेड ऑल्सो एंड उनको आइसोलेट करना. तो जितना कोविड टाइम में पुलिस ने रीच आउट किया, दाल चावल तक बांटे, दवाइयाँ भी बांटी, आइसोलेट भी किया. और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके शायद परिवार में सब मम्मी पापा या कुछ चले गए, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको अडॉप्ट भी करवाया फैमिलीज को. और कुछ तो एक आध ऐसा है जो हमारे पुलिस की फैमिलीज ने खुद ही, इनफैक्ट एक ऐसा समय मेरे भी जीवन में आया कि एक किसी बहुत ही उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, छोटी सी 2 साल की बिटिया थी, तो आई हैड रिक्वेस्टेड देम कि ये बच्ची किसी की बोझ नहीं है, बेटियाँ बहुत किस्मत वाली होती हैं. तो बट देन उनकी फैमिलीज को याद आया था, दे टुक केयर ऑफ द चाइल्ड, उनके मामा ने संभाल के. तो पुलिस की सर्विस में तो इतना मौका मिलता है आपको कि जहाँ पे कई बार पेरेंट्स भी नहीं जाते, डेड बॉडी स्टिंकिंग होती है, कोई नहीं होता जिसका, उसके लिए पुलिस खड़ी होती है. मैं कहती हूँ कि जैसे भगवान के लिए हम कहते हैं ना, भगवान ने एक माँ बनाई है जो बच्चे का हमेशा ध्यान रखती है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो माँ है. वैसे ही समाज में क्या है कि समाज में जो हमेशा हेल्प अवेलेबल हो इसके लिए पुलिस बनाई है, इसलिए पुलिस सोसाइटी की क्या है, माँ है. बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. आई थिंक ये वाले क्लिप को हम चलाएंगे ज़रूर. बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है ये कि पुलिस समाज के लिए एक माँ के रूप में काम करती है, जो कि एक मार्गदर्शन के रूप में भी काम करती है. कई बार माँ का काम भी
मरोड़ ने पढ़ते हैं। मुझे अच्छे से वो इंसिडेंट्स याद हैं जब कई बार मम्मी मेरे से सख्त भी होती थी, पर माँ लॉन्ग टर्म में भला चाहती है। तो हमारी भी वही जॉब है कि हम इन्फोर्समेंट करनी पड़ती है। कई बार हम लोगों के, मुझे याद है कि ट्रैफिक पुलिस कई बार ये तो आपको गुलाब देती है, तो वे माँ कई बार विनती करती है, प्रेम करती है कि बेटा मान जाओ, ऐसा कर लो, परंतु कई बार अगर बहुत कुछ गलत हो रहा होता है हमें फिर उसके लिए और अग्रसर और थोड़ी मोड़ी सज़ा भी कई बार प्रोसिक्यूशन का पार्ट भी बनना पड़ता है। तो वही मेरा रोल है और रियली मैं मतलब क्योंकि IPS एक लीडरशिप की पोजीशन है, मैंने डिस्ट्रिक्ट्स को जब भी लीड किया और देखा मुझे ये बिल्कुल वो ममता, और आपने जैसे कहा ना इतना सब कैसे मैनेज होता है, वो ऐसे मैनेज होता है कि वो एक घर पे भी एक माँ का रोल अदा करती हूँ, जब यहाँ आती हूँ यहाँ पे भी वही रोल अदा करती हूँ, बस इस केस में मैं समाज की मम्मी बन जाती हूँ, वहाँ पे अपनी बेटी की मम्मी होती हूँ। बहुत ही बारीक शब्दों में आपने इसका मतलब एक्सप्लेन किया है कि आखिर आपका रोल क्या है यहाँ पे और वहाँ का रोल क्या है। मैम एक ये बहुत मिलियन डॉलर एक क्वेश्चन है कि हर एस्पिरेंट वो चाहता है और जानना, और मैं भी जानना चाहता हूँ, और रिसेंटली मैं जैसे कई ऑफिसर्स के साथ इंटरव्यू करता हूँ, स्पेशली जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, कि आखिर क्या बात है इस वर्दी में कि जैसे आप पहनते वो। आई मेट रिसेंटली वेरी यंग पुलिस ऑफिसर, ये सेड कि अगर इनफैक्ट हम 4 बजे भी मतलब बुखार आया रहता है 2-3 दिन से, और कोई मुझे बोले कि यहाँ आना है, यहाँ पे ड्यूटी देनी है, तो वो वर्दी पहन लो ना तो वो बुखार भी खत्म हो जाता है। मतलब इस तरीके का एक एनर्जी है, एक पावर है। तो मेरा सवाल ये है मैम आपसे कि क्या इस वर्दी में ही कुछ है, इस यूनिफॉर्म में ही कुछ है, या फिर हमारे व्यक्तित्व में ही कुछ, एक ऐसी पर्सनैलिटी हम डेवलप कर लेते हैं? इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है। ये ना वर्दी जो है ना, मतलब इसको बड़े प्यार से, बड़े सैक्रिफाइसेस के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थॉट किया, और वैसे ही उनकी जो हमारी पुलिस एकेडमी है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, उसके में अगर आपको जो हमारा एंथम है उसमें भी यही वर्ड्स आते हैं, जो NPA का एंथम है कि बिल्कुल लौह पुरुष का सपना है, IPS जो है वो लौह पुरुष का सपना है और हमारी लोहे जैसी हिम्मत है। तो ये कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा बनता है, कुछ देश की मिट्टी ऐसी है जब आप प्यार करते हैं, द वेरी सॉइल ऑफ बिलोंगिंग टू दिस कंट्री। मुझे आप ऐसा कंट्री बता दीजिए जिसमें इतना कंपैशन है, मैं आपको बता नहीं सकती व्हाट ब्यूटी आई विटनेस्ड इन दिस कंट्री स्पिरिचुअली। कोविड टाइम में लोगों को पता भी था, जब वो सेवा करने जा रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो रोटी बैंक चला रहे थे, उनके अपना वो बिजनेसेस लॉस में चले गए, फिर भी लोगों ने अपनी FPs अपनी सेविंग्स तोड़वाई ताकि दूसरों को खाना मिले। फरीदाबाद में मैं थी, ऐसा कभी समय नहीं आया, मेरे हस्बैंड ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया हम लोगों ने कि कोई घर पे भूखा नहीं सोएगा, जिसके पास नहीं आप हमें रीच आउट कीजिए, और हमने बेसिकली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को क्लब इन किया था। हमारे पास एक दिन ऐसा नहीं आया जब हमें सोचना पड़ा कि क्या मतलब कहाँ से, फ्रॉम वेयर विल वी आर गिविंग सच अ बिग स्टेटमेंट, कभी नहीं ऐसा आया, कभी ऐसा हेल्प खत्म नहीं हुआ। सो देयर इज सम टाइप ऑफ डिविनिटी अटैच्ड टू दिस मिशन। लोगों को पता था, डॉक्टर्स थे, कई बार ऐसा हुआ डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही थी, दे केप्ट ऑन वर्किंग, उनको कौन सा नहीं पता था कि हमें कोविड हो सकता है, 100% प्रूफ तो नहीं था। पुलिस वाले थे, उनको नहीं पता था, उनको पता होता है कई बार ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं। तो ये partly it is a blessing to be born in this nation. हमें पता नहीं लगता, बट हम अपने पेरेंट्स से, अपने समाज से हम वो चीज़ इनहेरिट करते हैं। वी डोंट कैलकुलेट ऑलवेज, हम हमेशा कैलकुलेट थोड़ी करते हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे कर रही हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है, हम ऐसे नहीं सोचते। वी आर इंडियंस, वी आर स्पिरिचुअली अ वेरी एलिवेटेड स्पीशीज, वी आर प्राउड, वी आर यू नो सन्स एंड डॉटर्स टू मदर भारत माँ। So this is there in our blood. We must have this pride. We are a country, you know, jiska spiritual quotient one of the highest hai. You nahi ise vishv ka guru mana jata. Sabse zyada advanced hamari thinking hai. Humne sabse pehle aake kaha ji kisko koi nahi hai, you come. We are such open people. And secondly, definitely the training law purush ka sapna hai. Yes. तो वो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स भी इस तरह बनाए जाते हैं, हमारे माइंड को ट्रेन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो वर्दी के अंदर जो है, जब आप, जैसे मैंने कहा कि देने का सुख बहुत ज़्यादा होता है किसी को देने का,
एक बारी भी आपको वो जब मुस्कुराहट मिलती है ना, वो जो स्माइल होती है, वो जो थैंक यू होती है, वो जो कंटेंटमेंट होती है, वो जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है, दैट इज अनमैचेबल, दैट इज अनमैचेबल। मुझे अभी भी याद है एक एक छोटा सा एक मैं कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का इंटरनेशनल गीता महोत्सव होता है उसके कार्यक्रम में गई, तो मैं तब काफ़ी ज़्यादा उसमें भीड़ होती है, तो मैं लोगों को बात कह रही थी कि अपने बच्चों की, छोटे बच्चों की जेब में आप स्लिप रखवा दीजिए उनके नेम और एड्रेस की, बाई चांस बच्चा खो जाता है तो उसके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर नेम एड्रेस कुछ लिखा हो तो ईजी हो जाता है उसको लोकेट करना, हमारे अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो मैं ऐसा घूम रही थी और एक बच्ची के पेरेंट्स को मैंने कहा कि अपने रखवा दीजिए प्लीज़। सडनली वो बच्ची मेरे को देखती है और मुझे हग कर लेती है, मुझे बड़ा प्यार आया। और उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि उस बच्ची को, शी वॉज अ स्पेशल चाइल्ड, शी हैड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड हियरिंग बोथ, एंड आई कुड सी इट इन देयर आइज, दे डिड नॉट से एनीथिंग। सो अब जब आपको इतना प्यार मिलता है, एक बारी कहीं गई तो कॉलेज स्टूडेंट, मेरे को कोई काम नहीं था, उसने बस यूं ही बड़े प्यार से मुझे कहा कि मैम सेल्फी लेनी है, कुछ भी नहीं था, मतलब मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बट दैट काइंड ऑफ अफेक्शन, दैट काइंड ऑफ थैंक यू, दैट काइंड ऑफ स्माइल, दैट काइंड ऑफ अफेक्शनेट हग। एंड देर हैव बीन टाइम्स जब मेरे ऑफिस में कोई एक एल्डरली लेडी आई, उनका कुछ काम हो गया और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो आई एंड शी केम एंड शी ब्लेस्ड माई हेड, ओके विद थैंक यू। और एक बारी मैं एक हॉस्पिटल में गई, मैंने खुद अपने आईज प्लेज कर रखी हैं, मैंने लोगों को कहा कि आप यू मस्ट प्लेज योर आईज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग टू लिव आफ्टर यू डाई, सिर्फ इतनी बात कही और काफ़ी लोगों ने प्लेज कर दी, और एक ने मुझे थैंक यू बोला के किया, उन्होंने सब कुछ उन्होंने किया, बट दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे कन्वेड टू मी, व्हेन यू गेट दैट इन रिटर्न फॉर दिस कंट्री, जहाँ पे लोग दिल से सोचते हैं, आत्मा से सोचते हैं, वो अनमैचेबल, वो चीज़ ना, वो सफिशेंट है। बुखार तो बहुत छोटी चीज़ है, आप मर रहे होगे तब भी अब उठ के कहोगे कि व्हाई नॉट टू लिव अप अगेन फॉर दिस कंट्री। थैंक यू सो मच मैम, मतलब आपको सुन के मुझे यही लग रहा है कि बहुत ही क्लोज हैं आप स्पिरिचुअल गुरु से, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वो जो ऑर्गन डोनेशन वाली बात थी, वो मैंने कई न्यूज़ में पढ़ी थी, एक वो खबर भी आई थी एक दफ़ा, तो वो भी एक प्रश्न था मेरा कि बहुत इंसान झिझकते हैं इस बात को सोचने के बाद, लेकिन आपने बहुत सरलता से कह दिया इस पूरे के पूरे वाक्य को। मैम एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो एक आखिरी सवाल यहाँ पे, अगर आप IPS ना होते, डॉक्टर के कौन से फील्ड में, मेडिसिन में होते आप, मतलब कौन सी ऐसी फील्ड है विच यू वॉन्टेड टू परस्यू? सारी ही बढ़िया है, मेरे को तो लगता है कि मेडिकल की सारी ही फील्ड्स बहुत खूबसूरत हैं। मुझे नहीं पता कहाँ होते, क्योंकि जीवन का कोई प्रिडिक्टेबिलिटी ही नहीं है, आई कांट से, बिकॉज ऑल द फील्ड्स विच आर देयर, चाहे वो यू नो वेदर देयर साइकेट्री, जहाँ आप मन की बीमारियों का इलाज करते हैं, पीडियाट्रिक्स इज देयर, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑल द फील्ड्स आर वेरी 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 अपकमिंग, मतलब कई बहुत ही अच्छी हैं, नहीं आ रही, अब तो रोबोटिक्स आ गया है। तो मैं एक फील्ड के साथ तो डेफिनेटली उसमें अगर डॉक्टर होती तो जुड़ी रहती, कि जो भी मुझे मासिस से कनेक्ट करता उस ब्रांच में होती, जहाँ मैं कम्युनिटी से कनेक्टेड होती, चाहे वो फिर ब्रांच में मैं आई में करती या बच्चों के उसमें करती या गायनी में करती या मेडिसिन, मुझे नहीं पता, बट मैं आई थिंक आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी क्लोज टू द कम्युनिटी। तो मैं लैब के पीछे रिसर्च नहीं कर रही होती, आई वुड बीन इन अ फील्ड वेयर द सोशल कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी हाई। मैम एक बोनस क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं अपने लाइफ में व्हाट दे वांटेड टू डू, हम लोग एज अ मेंटर एडुकेटर हम उनको दिन भर बताते रहते हैं व्हाट यू कैन डू व्हाट यू कैन नॉट डू, बट दे आर स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड कि हम कैसे अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करें। एकेडमिक्स तो डिफरेंट है, वो तो हम पढ़ा देते हैं, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ दे हैव टू फोकस, पैसे कैसे अलाइनमेंट करें, जैसे आप बहुत फोकस थे, बहुत शांत, हम कंसंट्रेटेड होके हम निरंतरता से काम को करते थे, सो आपके लिए क्या मैसेज रहेगा इन एस्पिरेंट्स के लिए, फॉर UPSC एस्पिरेंट्स इफ दे वांटेड टू क्रैक दिस एग्जाम? दो मैसेजेस मैं जरूर देना चाहूंगी, जो मतलब मेरी रियलाइजेशन है
फर्स्ट थिंग जो आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट, डोंट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर एनर्जी. एक्चुअली यूपीएससी वो क्रैक करता है, जब आपका मन करता है तब तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, पर यूपीएससी में आपको तब भी पढ़ना है जब आपका मन नहीं कर रहा. सो यू हैव टू मैनेज योर थॉट्स वेरी वेल. जब आपका मन कहे ना यार इसको तो 7 लाख बच्चे दे रहे हैं, 8 लाख लोग दे रहे हैं, मेरा कैसे होगा, तब उस थॉट को ना कहना, उस डिस्ट्रक्टिव थॉट को. बहुत बारी क्योंकि ये एग्जाम आप बनने के बाद भी दोगे, कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, तब अपने मन से कहना नहीं ये मेरा गोल है या ये मेरा चीज़ है. दैट इज़ द फर्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, एनर्जी को मैनेज करने का. एंड सेकेंड, इस चीज़ को दिल से मानना, कैन नॉट डू इट, कोई जगह है ही नहीं. यूपीएससी ने सिर्फ एक बेसिक से क्राइटेरिया एज का दे रखा है और उन्होंने ग्रेजुएशन का दे रखा है. अगर वो क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर वर्ग के हर उसके लोग, जैसे दिल्ली को बड़ा हब माना जाता है, मैं दिल्ली कभी आई ही नहीं, मोस्टली प्रिपरेशन में कभी नहीं आई. तो लोग आप देखिए शादी के पहले करते हैं, शादी के बाद करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं, जॉब के साथ भी करते हैं, अमीर गरीब हर फाइनेंशियली ऑल ऑफ. कुछ बच्चों को 4 घंटे पढ़ने का मौका मिलता है वो भी करते हैं, 14 घंटे वाले भी क्रैक कर रहे हैं. तो मेरे को लगता है कि परसिवरेंस, राइट मैनेजमेंट ऑफ एनर्जीज अगर आप कर रहे हैं और परसिवरेंस के साथ रीजनेबल सेंसिबली कर रहे हैं, अपना एक रिविजन के लिए आपने अच्छा शेड्यूल बना रखा है कि इस तरह से मुझे रिवाइज करना है, और डीक्लटर्ड तरीके से कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल सोर्स ऑफ नोट्स हैं, तो कोई रीज़न नहीं है कि आपका एग्जाम ना, और फोकस नहीं जाएगा बिल्कुल अगर आपने अपने एनर्जीज और थॉट्स, मतलब ये सिर्फ यूपीएससी के लिए ट्रू नहीं, ये लाइफ के लिए इन जनरल ट्रू है. आप बस अपने थॉट्स की जिम्मेवारी ले लीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं वो आपके हाथ में, तो फिर वो, फिर मेरे को लगता है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें इन प्लेस डेफिनेटली आ जाएगी. मैम, उपनिषद में एक लाइन कही गई है, वितर्क भावने प्रतिपक्ष भावनम, मतलब यू स्टे अवे फ्रॉम दी नेगेटिव थिंग्स. आई थिंक आप वही कहना चाह रहे हो कि नेगेटिव वर्ड्स को आप अपने दिमाग में ले ही मत आओ. आई थिंक जितने पॉजिटिव वर्ड्स आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे आप उतना, वो कहते हैं ना कि अगर जीत पानी है तो पहले जीत मन में जीतना होगा. आई थिंक कि आप जीत जाओ पहले, उसके बाद फिर तो आगे की जर्नी तो आप तय कर ही लोगे. सो मतलब मज़ा आ गया मैम, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो इस बात की शुक्रिया देना चाहूँगा आपको कि आपने वक्त निकाला अपने इस स्केड्यूल से, इजी स्केड्यूल से, ना कि बिजी स्केड्यूल से. सो थैंक यू वेरी वेरी मच. और मतलब दिस हैज़ बीन एन अमेजिंग इंटरव्यू. और डीसीपी गुड़गांव, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और यहाँ पे आना हमारे लिए और आपके साथ इंटरव्यू करना, आपके साथ वक्त साझा करना, आपने जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, आई थिंक जो स्पिरिचुअलिटी की बात की है उस पर बच्चे ज़रूर, आप लोग सोचिए समझिए और काम करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें आ रही हैं. क्योंकि गुलजार साहब का कहना था कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा. लेकिन यहाँ पे मैडम ऑलरेडी एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो बहुत कुछ हैं, तो इनका जो कहना है वो आप मानिए और इन्हीं के मार्गदर्शन पर भी आप चल सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. आप लोगों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. यूपीएससी सिविल सर्विसेज सफरनामे के ये श्रृंखला के दूसरा एपिसोड था. कमेंट करके बता सकते हैं कि ये एपिसोड कैसा था, आपके सवाल कैसे थे, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में. तब तक जय हिंद.